राउंड सिक्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि राउंड सिक्स की तरफ बढ़े आपको बताती चलूँ कि 10 लाख का टॉप प्राइज और आपने जो अमाउंट बैंक किया है, इतने मसरूफ होते ना आप लोग लड़ने पे, अगर टीम वर्क कर लेते ना तो शायद अमाउंट ज्यादा हो जाता। 10 लाख रुपए में से नैना 20,000 रुपए सिर्फ जमा किए हैं यासिर, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे अली को कि परफॉर्म नहीं किया तो काश आप सब मिलके परफॉर्म करते। टीम वर्क नहीं है ना, टीम परफॉर्म नहीं कर रहे, अकेले बंदे से कुछ नहीं होता है। जी बिल्कुल। Well, let's see राउंड सिक्स आप किस तरह खेलते हैं। राउंड सिक्स का टॉप प्राइज है 15 लाख रुपए का इनाम। पहला सवाल 2,500 के लिए होगा, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2,500,000, सातवा 10 लाख के लिए और आठवा 15 लाख। 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होगा और ये राउंड नैना आपसे शुरू होगा। आर यू रेडी? यस। ऑलराइट, 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। रूह इकबाल किसकी तसनीफ है? यूसुफ हुसैन खान। करेक्ट। इब्राहिम, शहद की मक्खी से शहद के अलावा और कौन सी प्रोडक्ट हासिल होती है? मोम। करेक्ट। यासिर, अलामा इकबाल को हकीमुल उम्मत का खिताब किसने दिया था? ख्वाजा हसन निजामी। करेक्ट। उजाला औरत की आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या मर्द की? मर्द। गलत जवाब, औरत। दानिया, IDB का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक। गलत जवाब, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। नैना, कायदे आजम ने अपने 14 पॉइंट्स किस सन में पेश किए? 1929। करेक्ट। इब्राहिम, दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रिफेल्जिया। करेक्ट। यासिर, बैंक। हिंदूकोट किस शहर का पुराना नाम है? पास। हैदराबाद। उजाला, तस्वीर देखें आपके सामने हॉलीवुड के बड़े फेमस एक्टर, इनका नाम क्या है? टॉम हैंक्स। करेक्ट। दानिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून सरबरा का नाम बताएं? डॉक्टर शमशाद अख्तर। करेक्ट। नैना, ऑडियो सुनकर सिंगर की आवाज पहचानिए। कभी हमसे तुमने। सजाद अली। करेक्ट। कनाडा की कैपिटल का नाम क्या है? ओटावा। करेक्ट। यासिर, इंसान के दिमाग में हड्डियों की तादाद कितनी है? पास। 8। उजाला, वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? डार्कनेस। करेक्ट। दानिया, दुनिया में सबसे पहले कौन सा फल खाया गया? इंजीर। करेक्ट। नैना, एक तालाब में 50 मछलियां हैं जिनमें से 10 मर जाती हैं, अब तालाब में कितनी मछलियां होंगी? 50। इब्राहिम, पाकिस्तान की कौमी सब्जी का नाम बताएं? भिंडी। करेक्ट। यासिर, वो कौन सी चीज है जो हम किसी को दे तब भी हमारे पास रहती है? आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। जवाब बिल्कुल ठीक था लेकिन वक्त खत्म हो गया इसलिए आगे कुछ हो नहीं पाया। वक्त तेजी से कम होगा क्योंकि अभी 2 मिनट 10 सेकंड गुजरे हैं, बाद में 2 मिनट और आहिस्ता आहिस्ता मजीद वक्त कम होता जाएगा। लेकिन इस वक्त जिस चीज का मुझे इंतजार है वो है आपके वोट्स। आप किसके खिलाफ इस दफा वोट कर रहे हैं? आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं, आपके सामने टैबलेट्स रखे हुए हैं, टाइप करें और मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे आपके साथ नहीं होगा, यानी राउंड 7 में जिसको आप लेकर जाना नहीं चाहते। बार बार बैंक के इस्तेमाल की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। उजाला और नैना थोड़ी कंफ्यूज नजर आईं। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा। उजाला, आपका वोट किसके खिलाफ है? दानिया। क्यों? बिकॉज एक तो आंसर भी सही नहीं दे रही हूँ, पर इनके एटीट्यूड ही नहीं मिल रहे हैं। एटीट्यूड नहीं मिल रहा है? एटीट्यूड में क्या इशू है भाई? बंदा आंसर्स की तरफ फोकस करें, इनका आंसर से ज़्यादा अपने ऊपर ही। अब मुझे बताएं मैंने कौन सा आंसर गलत दिया है? इतने सारे दिए। आप मुझे बताएं ना कौन से राउंड में, आपको ये तो याद होना चाहिए तकरीबन, इसी राउंड का बता दें। इस राउंड में तो तकरीबन सही दिए हैं, बट इससे पहले तुमने, इससे पहले तो मैंने आंसर गलत दिए ही नहीं है। दिए हैं? नहीं। चलो दूसरों से पूछ लेते हैं ना, देख लेते हैं कौन और एटीट्यूड मैंने क्या दिखाया आपको, आप मुझे ये भी बता दें। एटीट्यूड ये दिखाया कि आपके मतलब आंसर्स आपके पास है ही नहीं और आप बस सोच रही हैं क्या आंसर दूं क्या आंसर दूं क्या। उजाला, आप कौन से गेम में है, क्या देख रही हैं, क्या सोच रही हैं, कुछ भी कह रही हैं, कहाँ उन्होंने कहाँ वक्त लगाया? मुझे तो नहीं लगता उन्होंने वक्त लगाया। दानिया, आपसे कितने सवाल पूछे गए? 3। तीनों के सही जवाब दिए आपने? या तीनों के? एक पास किया, 2 के सही जवाब, और आप इस तरह कह रही है जैसे उन्होंने सारे ही गलत दिए। खैर, आपका वोट दानिया के खिलाफ। दानिया, आपका वोट किसके खिलाफ? यासिर पहले तो खेलते आए ठीक, बट इस राउंड में दो इनसे 3 सवाल 3 सवाल किए गए, तीनों के सवाल इन्हें नहीं आए, तीनों आगे जवाब नहीं आए, सॉरी जवाब नहीं आया। अगर आगे भी ये इसी तरह रहे तो
पैसे जमा नहीं होंगे जी। यासिर मैं तो कुछ पैसे फिर भी सेव कर रहा हूँ, इसने अभी तक एक एक बैंक भी नहीं किया है। हमेशा ये इस राउंड में तो ऐसी खामोश खड़ी हुई थी, मैं तो इसकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हूँ कि अभी कुछ बोले। बैंक किया है मैंने, किसने कहा नहीं किया? एक बैंक हमने नहीं किया है, लाखों के नुकसान दिए, लाखों का नुकसान। जैसे ही वो मेरा नाम लाखों कमाने के लिए आए हुए, मौका मिला है कुछ कमा के जाओ, लेकिन आप हमें नुकसान भी धकेली जा रही हूँ, नुकसान भी धकेली जा रही हूँ। उजाला और यासिर दोनों का वोट दानिया के खिलाफ। इब्राहिम यासिर के खिलाफ, यासिर के खिलाफ। दानिया और इब्राहिम का वोट यासिर के खिलाफ। दो वोट्स दानिया के लिए, दो वोट्स यासिर के लिए। और अब आपकी दोस्त, आपकी बेस्ट फ्रेंड, आपकी बचपन की दोस्त नैना बताएंगी, मतलब नैना के हाथ में सब कुछ है। या तो नैना यासिर आपके खिलाफ वोट किया होगा उन्होंने, या तो फिर उन्होंने दानिया के, मुझे पता है कि उन्होंने किसके खिलाफ वोट किया, लेकिन क्या आप उनके मुंह से सुनना चाहते हैं? मेरे मुंह से सुनना चले जी। नैना आपका वोट किसके खिलाफ है? दानिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, एहसान पूरा हुआ। आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे वोट क्यों किया है मिस नैना? मिस दानिया, मैंने वोट इसलिए आपको किया क्योंकि मेरी आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बट आप थोड़ी सी मुझे एक्टिव नज़र नहीं आ रही थी। सिम एक्टिव नहीं नज़र आ रही, बट मैंने आंसर भी बिल्कुल ठीक दिया। आप तो जिस राउंड में मैंने देखा है बिल्कुल आंसर भी नहीं दे रही हैं, बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी दानिया, क्योंकि मैंने तीन आंसर नहीं किए। राइट, आपने तमाम राउंड में अगर लगाऊं तो आपने तकरीबन 5 आंसर्स नहीं दिए। नहीं, 5 आंसर किसने कहा? या बिल्कुल मैं नोट कर रही हूँ। नहीं ऐसा बिल्कुल, इस राउंड में भी नैना काफ़ी मुश्किल हुई थी आपको। हाँ मुझे तीन राउंड में थोड़ी सी मुश्किल हुई है, स्टार्टिंग में मेरे साथ समीर था इस वजह से मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी। इट डजंट मैटर, लेकिन दानिया होता यह है कि मेजॉरिटी ने आपको वोट किया, जिसका मतलब ये है कि आप आगे राउंड 7 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ यहीं तक था। अस्सलाम वालेकुम, मैं दानिया। जैसा कि आपने देखा कि मैं आज आखिरी खिलाड़ी कौन में आई थी और पार्टिसिपेट किया, तो 6 राउंड में मुझे एलिमिनेट कर दिया गया यासिर, उजाला एंड नैना ने। नैना का इतना एटीट्यूड पूरे राउंड में रहा, ठीक है, और राउंड्स में भी नैना का एटीट्यूड रहा। आंसर्स बिल्कुल नहीं दे पा रही, बट इन्होंने मुझे क्यों एलिमिनेट किया मुझे नहीं पता, बट मैंने तो बहुत अच्छे से खेला, ठीक है। मुझे प्राउड है कि मैंने 6 राउंड तक बहुत अच्छा खेला। सो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। एक मिनट में इंस्टा शो विद मी मथीरा। आखिरी खिलाड़ी कौन? दैट्स द कैच। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।